हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, थैंक यू, आप लोगों ने फिर से मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया है, इतना पसंद किया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। और अब आज फिर वही घर का ब्लॉग, बाहर छोटी छोटी ट्रिप करते रहने से ना मूड बहुत अच्छा फ्रेश हो जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं मंथ में एक बार या एक डेढ़ मंथ में कम से कम बाहर निकल सकूं और अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ थोड़ा सा ही सही, आधे एक घंटे का टाइम ही सही अच्छी तरह से स्पेंड कर सकूं, ताकि वो भी रिफ़्रेश हो जाए और मैं भी रिफ़्रेश हो जाऊं। तो इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें करती रहती हूँ। मेरे पास कहीं जाने का नहीं रहता तो मैं कॉलोनी में एक चक्कर लगा कर आ जाती हूँ। क्या रहता है कि ज़रूरी भी है ये सब, जब आप कहीं आसपास गॉसिप वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं होते हो, अपने काम में ही मगन हो, लेकिन आपको फिर भी अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करना है, थोड़ा सा अपना मूड डाइवर्ट करना है, तो ये सब चीज़ें आपको लाइफ में अपनानी ही पड़ेंगी। तो मैं यही सब करती रहती हूँ। बाकी घर के लोग तो रहते ही हैं, दुकानों में चहल पहल तो रहती है, लेकिन फिर भी ये मेरा पर्सनल टाइम होता है। जो तो यही मेरा अपना तरीका है अपना मूड फ्रेश करने का और थोड़ा सा अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का और थोड़ा बाहर का माहौल देखने का कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। आजकल तो हर जगह कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, तो बस इसी बहाने थोड़ा सा मैं बाहर निकल जाती हूँ। और अभी अभी हम लोग जो है गार्डन में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करके आए हैं एक दूसरे के साथ। हम लोग लगभग 4 घंटे वहाँ पर थे और बहुत अच्छा लगा। उत्कर्ष की डिमांड थी कि उसे फाउंटेन वगैरह भी देखना है, लेकिन हम लोग इतना नहीं रुक पाए क्योंकि शाम हो रही थी और शाम को ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे ही हम लोग गार्डन से बाहर निकले फाउंटेन चालू हो गए। खैर, वो तो हम लोगों ने कई बार देखे हैं, फिर कभी जाके देखाएंगे समर वगैरह में। तो ओवरऑल हम लोग की जर्नी बहुत अच्छी रही, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और आज मैं वापस अपने घरेलू काम में जुड़ रही हूँ, वही अपना रूटीन, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, लॉन वगैरह धोना। डस्ट इतनी आती है कि लॉन को हर दूसरे दिन मुझे धोना ही धोना होता है, दोनों तरफ के लॉन में धुलती हूँ। तो अच्छा, बढ़िया, ठंड थोड़ी सी कम लग रही थी तो आज मैंने दोनों एक साथ धुल दिए। और बस घरेलू काम के साथ साथ थोड़ी सी अपनी धुंधारा भी सुधारी है, क्योंकि कहीं से भी आप घूम के आओ तो डस्ट पॉल्यूशन तो आपके फेस पे आ ही जाता है, स्किन में, बालों में, सब में हो ही जाता है। और आज मैं अपने ये मैंने जो नेल्स का एक पैटर्न किया था, पता नहीं अच्छा लग रहा है या नहीं, तो आज मैं कुछ और ट्राई करने जा रही हूँ। गाड़ियाँ सिलेक्ट हो आएंगी, ये पुलिस लगी है। ये है क्या चीज? अरे यहाँ से गाड़ियाँ आएंगी चलो आप बनाओ, फाइनल हो जाएगा तो देखेंगे। सो यहाँ पर उत्कर्ष खेल रहे हैं अपना मजे से। और आज मैंने जो है कढ़ी ट्राई की थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, और उसकी रेसिपी मुझे उत्कर्ष के दादाजी ने बताई थी, तो मैंने उन्हीं के हिसाब से जैसा जैसा उन्होंने बताया हुआ था बिल्कुल वैसे ही उसे ट्राई किया था। सबको बहुत पसंद आई, मैंने नहीं खाई क्योंकि मुझे मना है, लेकिन फिर भी सब लोग तारीफ़ कर रहे थे और सब ने दो दो तीन तीन बार लेके खाया, इसका मतलब अच्छी बनी थी। एलिफेंट असली था क्या? ये जो फिश है, फिश बस टीवी में आ रही है। जब से हम लोगों ने आंवले में दवा डाली है, देखिए कितना अच्छा पत्तियाँ आ गई है ना। हाँ, पूरा सब खराब हो गया, सूर्य भगवान झांक रहे हैं। नेल आर्ट दिख रहा है,
चिरकुट तो नहीं लग रहा? मैंने कहीं देखा था किसी को ऐसा कुछ किए, डार्क एंड लाइट कलर का शेड बहुत प्यारा लग रहा था। तो मेरे पास अभी नए और अच्छे लॉन्ग चलने वाले यही शेड्स हैं, तो इसी से मैंने ये बनाया है। कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रिजेक्ट हो गए हैं बुरी तरह से, इसमें से केवल ये फिंगर सिलेक्ट हुई है, ये अच्छा लग रहा है, बाकी का सब बकवास लग रहा है। तो अब मैं इसे आज बस रहने दूंगी, कल रिमूव कर दूंगी, क्योंकि उत्कर्ष के पापा को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ करो, आर्ट होता है भाई। जिसमें सबकी सहमति हो वही करूँगी, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, ये बचकाना सा लग रहा है। एनीवे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की ओपिनियन क्या है। आप लोग भी जानते होंगे नेल आर्ट के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत, आजकल बहुत चला हुआ है। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरह। गुड नाइट।